हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि हिरन है, उसके बाद खरगोश है और लिखा है दोस्तों बाघ, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि के जैसे 17 का संबंध हम लोगों के सामने लिखा है 60, उसी प्रकार से 20 का संबंध क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि के श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना था। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 315 है दोस्तों, जिसने पार्ट 314 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, सरदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर 17 का संबंध 60 लिखा है, उसी प्रकार से 20 का संबंध क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर क्या आएगा। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे उसने 17 का संबंध हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 60 लिखा है, उसी प्रकार से जो समानुपात का चिन्ह दिया है दोस्तों इस जगह से के बाद यहाँ पर जो 20 लिखा और क्वेश्चन मार्क दिखा है, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए तरीका को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। आखिर उसने 17 से जो 60 पे गया है दोस्तों उसने क्या किया, ये देखिए गुना इसने क्या कर दिया दोस्तों 3 कर दिया है, और प्लस क्या कर दिया है दोस्तों 9 कर दिया है। जैसे ही 17 में 3 से गुना कर देंगे तो 57 51 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर करेंगे दोस्तों यानी 20 से यदि इधर जाएंगे तो गुना इसमें 3 कर देंगे तो 60 हो जाएगा, और प्लस 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 69 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया दोस्तों। देखिए जैसे हम लोगों के सामने करा कि एक्स जो है वाई का क्या है दोस्तों बेटा है, उसके बाद वाई जो है जेड, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं यानी एक्स है जो दोस्तों करा कि एक्स जो है वाई का क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने बेटा है, यानी कि यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि एक्स जो है वाई का क्या है दोस्तों बेटा, और करा वाई जो है जेड की पत्नी है, यानी वाई जो है दोस्तों ये जेड का क्या हम लोगों के सामने पत्नी है। ये बात क्लियर हो गया कि वाई जो है हम लोगों के सामने जेड की क्या है पत्नी, और करा डब्ल्यू जो है जेड का पिता है, यानी डब्ल्यू जो है दोस्तों इस जगह पर डब्ल्यू कर लीजिए, डब्ल्यू जो है हम लोगों के सामने जेड का क्या दोस्तों पिता है, तो पुरुष जेंडर है तो प्लस कर देंगे। तो बताइए y का w से क्या संबंध, तो y जो है w का कौन लगेगा, तो सिंपल सा यहाँ पर बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। करा दोस्तों y जो है w का क्या लगेगा, तो इसका कौन लगेगा यानी कहाँ से पूछा है, w का यानी y w का होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों y जो है w का कौन लगेगा, बहू लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस इतना तरीका याद रखना है कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेना और महिला जेंडर के लिए माइनस लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है
कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा, यही बात आपको बताना। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग कर सकते हैं। देखिए 9 से यदि आप 17 पे आएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया, देखिए 9 से 17 पे जाएंगे तो 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यदि 17 के बाद हम लोग जा रहे हैं दोस्तों 33 पे तो उसने कितना जोड़ा, यदि 17 और यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 16 जोड़ दिया। जैसे ही आप यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, 16 जोड़ा है। जैसे ही 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या जोड़ा जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए 8 16, उसके बाद हम लोग कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पर मान के चले कि इस जगह पर यदि 8 जोड़े 16 जोड़े तो इसमें अगर 8 जोड़ देंगे यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 24 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या हम लोगों का सीरीज बन पाएगा कि यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अगर इस जगह पर हम लोग 24 जोड़ देंगे तो क्या सीरीज बनेगा। ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 33 और 24, तो 4 3 इधर हो जाएगा 7 और 3 2 क्या दोस्तों हम लोगों का 5 यानी 57। तो कभी हो भी नहीं करेगा, यानी दो गुना करके जोड़ा, यानी 16 के बाद अगर यहाँ पर 32 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने सीरीज बन सकता है। ये देखिए 33 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते चले ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 33 और यहाँ पर 32 जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 और 2 5 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 3 6 यानी 65 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है उसने कैसे इस प्रश्न का आंसर दिया था। इधर के पहले 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 32 जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप सारे प्रश्न को वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है हिरन खरगोश और बाघ, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिरन खरगोश और क्या लिखा हम लोगों के सामने, बाघ। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो पहले आप रिलेशन देखिए कि इनमें से हम लोगों के सामने क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या है। तो देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, हिरन जो है, हिरन क्या होता है दोस्तों, अलग जानवर है। उसी प्रकार से यहाँ पर खरगोश जो है अलग हो जाएगा, यानी खरगोश अलग जानवर हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख देंगे, खरगोश क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। बाघ हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यानी तीनों क्या आएगा, नीचे लिख दीजिए, इस जगह यहाँ पर कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ हो जाएगा। तो बाघ को ऐसे करके अलग डायग्राम बना लीजिए, यानी कि कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीनों अलग अलग आएगा, क्योंकि हिरन अलग होगा, खरगोश अलग होगा, बाघ, तीनों अलग अलग जानवर है। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए करें, दी गई श्रृंखला को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम को चुनिए, यानी कि यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सही क्रम को चुनना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले कौन सा उठाएंगे। जैसे हम लोगों के सामने देखिए पहला को उठाइए, जैसे 24 हो गया, उसके बाद यहाँ पर रख देंगे बराबर, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 और भागा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और गुना 3। तो क्या हम लोगों के सामने 24 हो पाएगा, तो देखिए 4 में 2 से भागा देंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन तो आप देख कर ही बोल सकते थे नहीं आएगा। अब दूसरा ऑप्शन उठाए तो 24 उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 और भागा क्या दोस्तों, 4 और बराबर 3। तो ये भी कभी हो पाएगा क्या, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर तीसरा रख के देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं, सब एक एक करके रखना होगा। जैसे देखिए 24 उसके बाद हम लोगों के सामने भागा और 2 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बराबर, इधर 4 और गुना 3। तो देख लीजिए 24 में 2 से भागा देंगे तो 12 और 4 3 12, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कह रहा है इसका संबंध जिस प्रकार से लिखा है इसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर कर लीजिए। देखिए जैसे एफ है, उसके बाद हम लोगों के सामने जी है, उसके बाद एच है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, तो इसको क्या लिखा हम लोगों के सामने, ओ पी, उसके बाद लिखा है क्यू और आर। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा दोस्तों हम लोगों का बी सी, उसके बाद डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। देखिए जैसे कि एफ से यदि आप यहाँ पर देखेंगे आखिर क्या किया है और कैसे इस प्रश्न, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एफ से यदि ओ पे आ रहे हैं कितना लेटर जोड़ा है, कुछ ना कुछ लेटर उसने वृद्धि किया है दोस्तों, या कुछ ना कुछ लेटर इसमें घटाया है। तो पहले आप इस पे सोचिए कि आखिर कैसे हुआ है और क्या करेंगे। जैसे कि ए बी सी डी में एफ का स्थान कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। तो कितना जोड़ा है, तो अगर यहाँ पर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा।
देखिए ना, यानी कि अगर ऐप में नो लेटर, ये देखिए ऐप के बाद होता आई जे, यानी ऐप के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या होता है जी एच आई जे के एल एम एन ओ। उसी प्रकार से इसमें भी यदि आप प्लस नो कर देंगे दोस्तों पी हो जाएगा, इसमें भी आप प्लस नो कर देंगे तो क्यू हो जाएगा, उसी प्रकार से प्लस नो कर देंगे था। इसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों प्लस नो, इसमें भी आप कर दीजिए प्लस नो, इसमें भी कर दीजिए आप प्लस नौ, इसमें भी कर दीजिए दोस्तों प्लस नौ। तो जैसे ही कर देंगे बी में, जैसे ही आप नौ लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा के हो जाएगा, सी में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो एल हो जाएगा, डी में जैसे जोड़ेंगे दोस्तों तो एम हो जाएगा, ई में जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो कहाँ मिल रहा है के, उसके बाद हम लोगों के सामने एल, उसके बाद एम और एन। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कराएं, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब दिखता है। तो यहाँ पर देखिए जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जैसे यदि गोला का है तो एक इस तरीके का क्या आएगा दोस्तों गोला आएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक चाकू का निशान दिया दोस्तों, यानी कि इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने चाकू इधर से हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से आप कर देंगे दोस्तों, यानी जैसे चाकू दिया दोस्तों उस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इस तरीके से इधर हो जाएगा और इस जगह पर ऐसे करके एक चाकू जैसे बना हुआ है तो यहाँ पर देख लीजिए, और इधर हम लोगों के सामने काला किया है चाकू में तो काला हो जाएगा और इसका निशान यानी कि पलट जाएगा। तो बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जैसे इसके अंदर मछली मछली बना है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा और एक इधर से हो जाएगा और यहाँ पर इधर से हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए दोस्तों ए कभी नहीं हो सकता, और ये वाला हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका मुंडी इस तरीके से निकल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दर्पण में जब देखेंगे जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो जैसे देखिए ये पहले है तो पहले यही वाला बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो ई वाला देख रहे हैं दोस्तों फिगर जो इस तरीके से किया, पहले यही वाला आईना में दिखेगा, उसके बाद उसके अंदर में देखिए मछली, उसके बाद चाकू, फिर गोल आकृति के बाद इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग दिया है दोस्तों, आठवां नंबर क्वेश्चन। इधर जैसे यहां पर कह रहा है कि के है, देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों के, उसके बाद यहां पर लिखा आई और उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने डी एल और क्या लिखा है दोस्तों ई। तो इसको देखिए उसने क्या करके लिखा है, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने इसको लिखा है दोस्तों ई, देखिए ई लिखा है, उसके बाद एल, उसके बाद डी, उसके बाद एन, उसके बाद आई और क्या लिखा है दोस्तों के। तो उसने क्या किया है ई, देखिए तरीका को समझने का प्रयास, उसने पीछे से करके लिखा है, देखिए ई को यहाँ पर ई लिख दिया, यानी इसका कोड जो इस प्रकार से लिखा है दोस्तों उसने क्या किया पीछे से, उसी प्रकार से देखिए एल को यहाँ पर एल लिख दिया, उसी प्रकार से देखिए डी को क्या कर दिया दोस्तों डी कर दिया, उसी प्रकार से एन को क्या कर दिया दोस्तों एन कर दिया, उसी प्रकार से आई को यहां से क्या कर दिया दोस्तों आई कर दिया, उसी प्रकार से के को यहां से हम लोग जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या कर देगा के कर देगा। तो इस तरीके से कर दीजिएगा, यानी पीछे से उसने इस प्रश्न का आंसर क्या किया था कोडिंग किया था, उसी प्रकार से इसका निकालना है दोस्तों तो आप इसका पीछे से लिख दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए अभी उसको मिटा के अब यहाँ पर कर देते हैं, यानी इसको हटा लीजिए दोस्तों, अब जिसका पूछा जा रहा है तो उसका कर सकते हैं, आप निसंदेह कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको लिख लेते हैं और इसका आंसर कर देते हैं, जैसे ये देखिए ई लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने एक्स, उसके बाद ओ टी, उसके बाद आई और क्या दोस्तों सी। इसको बस पीछे से लिख देना है, बस क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा सर हम लोगों के सामने सी हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा, उसी प्रकार से इसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों टी आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, उसी प्रकार से इधर से करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स आ जाएगा, उसी प्रकार से इधर पीछे से कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने सी, उसके बाद आई टी ओ एक्स ई, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने नवा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है, तो देखिए कैसे करेंगे तरीका सबसे। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज दिया गया, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों इस जगह पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा,
एक बार जरूर आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा और यहाँ पर क्या करने से इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे जो कि आंसर आ जाएगा। ये देखिए जैसे चार लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लिखा दोस्तों हम लोगों के सामने 196, उसी प्रकार से फिर लिखा दोस्तों हम लोगों के सामने 16, उसके बाद लिखा है 169, उसके बाद इसी जगह है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 144, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों 64, तो आगे है क्वेश्चन मार्क और हर जगह पर कोमा है दोस्तों, तो आप क्या कर देंगे कोमा लगा देंगे। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, आखिर हुआ क्या उसने, ये देखिए ये जो चार देख रहे हैं दोस्तों ये क्या हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये क्या हम लोगों के सामने 14 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से ये 16 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से देखिए 169 जो है ये क्या है दोस्तों 13 का स्क्वायर है। इस जगह पर हम लोगों के सामने किसका स्क्वायर आएगा दोस्तों, देखिए हम लोगों का अल्टरनेट सीरीज चला है यानी 2 उसके बाद 4, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 का हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, देखिए 2 हुआ फिर हम लोगों के सामने 4 हुआ, तो उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 आएगा। अब फिर इधर देखिए अल्टरनेट सीरीज करने का मतलब 14 के बाद देखिए 1 छोड़कर 1 आया, 14 के बाद फिर 13, 13 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों देखिए 12 हो जाएगा, इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों 12 का स्क्वायर, 6 के बाद फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 8 का स्क्वायर, तो अल्टरनेट सीरीज चला है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने 36 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। बस आपको तरीका समझना है, क्या तरीका समझना है सर वो बात आपको बता दीजिए, तो यहाँ पर बता देते हैं देखिए अल्टरनेट सीरीज यानी 1 छोड़कर इसको लिया, उसके बाद हम लोगों के सामने इसके बाद इसको लिया है, इस तरीके से चला है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अल्टरनेट यानी 4 के बाद 16, 16 के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर 4 का, 6 का, फिर क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 8 का स्क्वायर, तो अल्टरनेट सीरीज चला है, इस तरीके से करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, विषम का मतलब 4 में से 3 समान है 1 अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा दोस्तों, तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए उसने क्या किया यहाँ पर अंकों को ही जोड़ दिया इस तरीके के प्रश्न, वैसे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं वर्ग देखते हैं, अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर घन देखेंगे, अगर ये दोनों में से नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या देखते हैं, अगर ये भी नहीं नजर आएगा तो फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों सम, और क्या देखते हैं हम लोगों के सामने विषम देखते हैं, अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है विभाज्यता का नियम लगाना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा रूल को आप याद रखेंगे दोस्तों ताकि इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर, यहाँ पर अंकों पर आधारित दिया है उसने क्या किया, ये देखिए जैसे 3 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, तो जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, ये देखिए 3, 2, 5 और 1 जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, देखिए आखिरी वाला 6 आ गया, उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों 2+3 और प्लस क्या दोस्तों 3, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, देखिए आखिरी में 8 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3+2+0 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 5 आ जाएगा, आखिरी में 5 है, उसी प्रकार से इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 2+0+1, तो क्या हम लोगों के सामने 5 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए देखिए जैसे इसमें कह रहा है दोस्तों कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए, आखिर इनमें से गलत क्या है दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 6 लिखा है, फिर 9 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 15, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 22, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 51 और इस जगह पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 99, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगर 6 से 9 पे जाएंगे तो आप कितना जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, अगर 9 से 15 पे जा रहे तो उसमें 6 जोड़ा है, उसी प्रकार से आगे कितना जोड़ेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि 3 जोड़े 6 जोड़े, अगर इस जगह पर कहा जाए बहुत सारा स्टैंड की 9 जोड़ देंगे तो 15 9 क्या आएगा दोस्तों 24 आएगा, तो मान के चलिए कि यहाँ पर यही गलती है क्या, अगर 9 के बाद तब तो फिर आना चाहिए हम लोगों के सामने 12, अगर 24 में आप 12 जोड़ेंगे तो क्या हो पाएगा सीरीज इस तरीके से चल पाएगा, नहीं आपको समझना होगा, ये नहीं कि आप रट लेने से यहाँ पर नहीं काम बनेगा, बल्कि आपको समझना होगा आखिर इस जगह पर क्या जोड़ेंगे, अगर 3 6 9 12 देख के चलेंगे तो सीरीज हम लोगों का फॉलो नहीं कर पाएगा,
तो फिर कैसे होगा सर? देखिए इसका अर्थ है कि 3 6 3 6 उसके बाद हम लोगों का गुना कर लेते हैं, यानी कि 3 दुना 6 6 दुना यहाँ पर 12 जोड़ लेते हैं, तो 15 12 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 27 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब देखिए 12 के बाद यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे, तो क्या हम लोगों के सामने देखिए 27 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो रहा है। उसी प्रकार से 24 के बाद हम लोगों के सामने क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 48 जोड़ देंगे, तो देखिए 48 जैसे 51 में जोड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोगों का सीरीज फॉलो कर रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पर गलत क्या हम लोगों के सामने 22 है, यानी 22 के जगह यदि 27 रहेगा तो बिल्कुल हम लोगों के सामने एक सीरीज बन जा रहा है। तो इस तरीके से वही गलत संख्या बताना था, गलत क्या है दोस्तों इस प्रश्न में 22 गलत है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलिए। अगला प्रश्न की यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन काफी डरावा काफी भयावह, तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं तो हम स्किप कर देंगे, लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्तों की पूरब हम लोगों के सामने किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, देखिए पूरब हम हमेशा आपको इस साइड में लेना है दोस्तों, और इस साइड इसका जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पर किताब में हमेशा क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको उत्तर लेना है दोस्तों, और नीचे इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना होता है दोस्तों, दक्षिण लेना होता है। तो देखिए बस आपका डायग्राम अगर हो गया तो आपका प्रश्न आधा, यानी कि पूरा इधर लिए पश्चिम इधर लिए ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण, देखिए अभी आप समझ जाएंगे। कह रहा है 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो चल दीजिए दोस्तों, यानी 15 किलोमीटर इस जगह से हम लोग चला देते हैं, देखिए यानी कि जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों एकदम वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 15 किलोमीटर यहाँ से चला दिए दोस्तों पूर्व की ओर, उसके बाद उसने क्या कहा है यहाँ पर, जैसे हम लोगों के सामने 15 15 चला दिए, उसके बाद वो फिर कह रहा है कि अपने बाएं घूमता है, तो इधर दाएं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों बाईं ओर घूमता है, तो ठीक है यहाँ पर घुमा दिए बाईं ओर घूमता है, और फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 15 चलता है, तो 15 चला दिए, उसके बाद फिर से दाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है दोस्तों 12 किलोमीटर चलता है। तो एक अनुमानिक दूरी आपको लेना है, ये नहीं कि आप स्केल लेके बैठेंगे और नाप नाप के करेंगे, एक अनुमानिक दूरी लेना है, तो 12 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, देखिए दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला दोस्तों हम लोगों के सामने 15 चला है, तो ठीक है। उसके बाद वह फिर से अपने हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है, यानी दाएं यानी बाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है दोस्तों 10 किलोमीटर, तो यहाँ तक 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब उसने क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, यानी प्रारंभिक स्थल तो हम लोगों का यानी कि इसी जगह से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हुआ दोस्तों अंत हो गया, इस जगह पर उसने क्या किया है अंत किया है, तो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, तो ये वाला भी दूरी ले लीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 15 12 और 10 तीनों को जोड़ लीजिएगा, 15 12 27 10 37, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना वही कह रहा उसने कि उसके प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति की कम दूरी कितनी है, तो कम दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 37 मीटर आएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टैंड यहाँ पर देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे, सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं, इस तरीके से कमेंट करने लगते हैं, लेकिन एक बार यदि आप तरीका सीख लेंगे दोस्तों तो कभी गलती नहीं होगा, बल्कि प्रारंभिक तो ये जो बिंदु देख रहे हैं यहीं से ने स्टार्ट किया था और अंत यहाँ पर किया है, तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 12 और 10, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो देख रहे हैं कितना हो रहा है हम लोगों के सामने, तो 37 हो जाएगा 37 मीटर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर लिखा है जैसे देखिए कह रहा है दोस्तों पाप का संबंध जिस प्रकार से अपराध लिखा है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं जिस प्रकार से यानी कि हम लोगों का अपराध एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पाप करने का, यानी कि एक आप पाप कर रहे हैं यानी अपराध काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं दोस्तों पाप कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये होगा क्या, ये नहीं होगा, यानी पशु मनुष्य नहीं होगा, न्यायालय घर भी नहीं होगा, यानी उसी रिलेटेड जिस प्रकार से देखिए अपराध वाला काम अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं दोस्तों पाप कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी वैधता का संबंध नैतिकता, यही आपका आंसर दिया था जो एजेंसी कंडक्ट कराई थी दोस्तों एग्जाम, क्योंकि प्रीवियस पेपर के प्रश्न है ये, जितने भी क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया, और सारे एग्जाम आपको बता चुके हैं कि हर एक अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी वैधता का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, नैतिकता से हो जाएगा, जिस प्रकार देखिए अपराध यानी एक प्रकार से पाप हो जाएगा, तो उसी प्रकार से वैधता का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, नैतिकता से हो जाएगा, यानी कोई भी चीज का जैसे वैधता का मतलब एक वैल्यू टाइप में दोस्तों, तो नैतिकता यानी उसका गुण को दर्शा रहा था, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि
अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, चौथे स्थान। तो अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे रखते हैं, पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से कहाँ तक रखते हैं दोस्तों, जेड तक रखते हैं। तो देखिए तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कौन चौथे स्थान पर, कौन पहले स्थान पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, एप 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 सब में कॉमन, इसको हटा दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि कौन एबीसीडी में पहलेगा। तो एप के बाद देखिए इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो यही दोनों पहले आएगा, क्योंकि इसमें ओ आ रहा है, इसमें और ओ बहुत दूर हो गया ए वाला, तो लेकिन सर दोनों में ए ए आ रहा है, ए और सी में। इसके बाद चेक कीजिए इसमें एल आया, इसमें भी डबल एल आया, तो ठीक है डबल एल के बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, उसमें एस आ रहा है, इसमें हम लोगों के सामने देखिए इसमें तो डबल एल के बाद एस आ रहा है, डबल एल के बाद आई, तो पहले स्थान पर आ जाएगा दोस्तों ये वाला हो जाएगा, यानी कि पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब ई दोनों में देखिए ओ ओ आ रहा है, तो ओ के बाद इसमें एल आया, ई आ गया, तो ई हो जाएगा दोस्तों तीसरा स्थान, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा स्थान। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी चौथे स्थान पर कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका यही चेक करना कि कॉमन जो मिल रहा है उस लेटर को हटा देंगे, तो एप एप सभी में था उसको हटा लिया, अब जैसे ए और सी में देखिए एप के बाद ए आया, ए आया, इसमें एल आया, इसमें डबल एल आया, तो एल के बाद देखिए आई आ रहा, उसमें एस चला गया, तो इसमें यही वाला होगा ना, तो हम लोगों का यानी पहले नंबर पर यही आएगा, फिर दूसरे नंबर पर ये आएगा, यानी कि उसके बाद देखिए तीसरा में ओ ओ मिल रहा था, ओ के बाद चेक किया इसमें ए आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, तो पहले ए आएगा तब ना एल आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा, चौथा स्थान पर वही आएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है 15वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा, भिन्न का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, यानी विषम बताना है दोस्तों, यानी भिन्न यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने ये वाला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो इनमें सभी हम लोगों का क्या है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि हम लोगों का क्या है, स्वर वर्ण है। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, सभी हम लोगों के सामने स्वर्ण वर्ण आ रहा है, लेकिन बाकी में सभी में क्या है दोस्तों, व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी यानी ए हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, ये सभी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, व्यंजन वर्ण है, यानी जिसको आप कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो वो सभी में क्या है दोस्तों, खाली कॉन्सोनेंट, उसमें खाली क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए ना ए आई यू ई, तो सारे यानी स्वर्ण वर्ण यानी भावेल है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया, लेकिन डरेंगे नहीं, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कर देंगे। कह रहा है कि हरी जो है आयु में चमन से क्या है दोस्तों, बड़ा है, तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी हम लोगों के सामने क्या रहा है दोस्तों, हरी जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, चमन से बड़ा है, तो एकदम आप जैसे पढ़े वैसे ही कर दीजिए, यानी कि हरी क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने चमन से बड़ा है, यहाँ पर हरी लिख लेते हैं एकदम जैसे जैसे कर रहा है कि हरी जो है, तो यहाँ पर हरी जो हो गया दोस्तों, कह रहा है कि चमन से बड़ा है, तो एकदम फूल फूल लिखेंगे, तो चमन से क्या हो गया दोस्तों, कह रहा है चमन से बड़ा है। आगे लिखा है कि विजय जो है सतीश से बड़ा है, मुकेश जो है विजय के बराबर नहीं है, फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा है यानी जैसे जैसे कह रहा है, किंतु कह रहा है कि चमन से बड़ा है, ये देखिए हाँ इस जगह से आया, यानी यहाँ पर कह रहा है मुकेश जो है विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यानी मुकेश जो है दोस्तों विजय के बराबर तो बड़ा नहीं है, किंतु चमन से क्या है दोस्तों, बड़ा है, तो अच्छा तो किंतु चमन से बड़ा है, तो यहाँ पर बैठा लीजिए, यानी कि चमन से अगर बड़ा कह रहा है दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने चमन से बड़ा है, तो मुकेश जो है विजय के बराबर बड़ा नहीं है, तो ठीक है, किंतु किससे है दोस्तों, चमन से बड़ा है, तो ठीक है, तो यानी कि इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, मुकेश कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर ले हम लोग, मुकेश कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, मुकेश कर देंगे, तो मुकेश हम लोगों के सामने क्या है कि चमन से बड़ा है। उसके बाद देखिए सतीश कह रहा है कि चमन के बराबर हम लोगों का बड़ा नहीं है, यानी सतीश जो है दोस्तों चमन के बराबर बड़ा नहीं, एकदम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कई बार। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, देखिए हरी जो है यहाँ पर कह रहा है कि हरी जो है आयु में चमन से क्या है दोस्तों, बड़ा है,
30 जगह पर अगर लिख लेते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल बैठा लेंगे, यानी कि हरी जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि चमन से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं दोस्तों, चमन लिख लेते हैं कि हरी चमन से बड़ा है। उसके बाद देखिए यही वाला यानी विजय जो है सतीश से बड़ा है, मुकेश जो है उसके बाद कर रहा है विजय के बराबर बड़ा नहीं है, किंतु चमन से क्या है दोस्तों हम लोगों का कर रहा है कि किंतु चमन से बड़ा है, तो यहाँ पर ठीक है आगे देख लेते हैं। फिर लिखा है कि सतीश जो है चमन के बराबर बड़ा नहीं है, यानी सतीश जो है दोस्तों चमन के बराबर बड़ा नहीं है, तो सतीश हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, सतीश आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा दोस्तों, सतीश आ जाएगा इधर। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने लिखा है कि विजय जो है सतीश से बड़ा है, मुकेश जो है विजय के बराबर हम लोगों का बड़ा नहीं किंतु चमन से बड़ा है। देखिए मुकेश जो है दोस्तों यानी विजय से हम लोगों का क्या है, यहाँ पर साफ साफ कर रहा है मुकेश जो है विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यानी कि मुकेश जो है दोस्तों विजय के बराबर, तो विजय कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, विजय आ जाएगा, और इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, मुकेश आ जाएगा, क्योंकि वहां पर बोला है कि मुकेश, ईद के मुकेश जो है विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यानी मुकेश जो है विजय के बराबर, तो देखिए ना विजय के बराबर बड़ा नहीं है, तो विजय क्या हो जाएगा दोस्तों, विजय के बराबर बड़ा नहीं है कौन, तो मुकेश, तो मुकेश नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे यहाँ पर करते चलिए। उसके बाद हम लोगों के सामने और कौन बचा है, तो देखिए ये सारे तो बैठा दिए, यानी कि यहाँ पर सारा हम लोगों के सामने तो बैठ गया, यानी कि विजय बैठ गया, मुकेश बैठ गया, हरी बैठ गया, उसके बाद सतीश बैठ गया। तो वही इसमें कह रहा है कि बताइए कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, सतीश आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हरी बैठ गया, सब तो बैठ ही गया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको तरीका को समझना होता है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे किए, यानी बड़ा का चिन्ह इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इसमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप चल दीजिए। देखिए नहीं समझे एक बार फिर से समझिए, हरी जो है यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हरी आयु में चमन से बड़ा है, तो देखिए हरी जो है चमन से क्या है दोस्तों, बड़ा है। उसके बाद कह रहा है विजय जो है विजय सतीश से बड़ा है, तो विजय देखिए हम लोगों के सामने सतीश से बड़ा हो गया, ये बात भी फॉलो कर गया। मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं, यानी मुकेश जो है दोस्तों विजय के बराबर बड़ा नहीं है, तो मुकेश नीचे हो जाएगा। किंतु चमन से बड़ा है, तो किंतु चमन से बड़ा हो गया। फिर कह रहा है कि सतीश चमन के बराबर बड़ा, यानी सतीश जो है चमन के बराबर, तो चमन के बराबर बड़ा नहीं, तो सतीश नीचे हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।